हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंडिगो पेंस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप काफी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको इंडिगो पेंस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है, यानी आपको इंडिगो पेंस आईपीओ से लिस्टिंग गेंस मिलने जा रहा है या फिर नहीं मिलने जा रहा, वो आप काफी इजिली चेक कर सकते हैं। तो उस पे आने से पहले मैं यहाँ पे आपको इंडिगो पेंस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे कल यानी 28 जनवरी को इसके अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन है और उसके बाद कल इवनिंग से या नहीं तो 29 के मॉर्निंग से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं वो जस्ट मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो सेम डे 29 जनवरी को ही आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1 फरवरी 2021 को ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और इसका लिस्टिंग बहुत एनएससी और बीएससी पे हो रहा है और इसका लिस्टिंग डेट है 2 फरवरी 2021। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंडिगो पेंस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट equity2commodity.in ओपन करना होगा, और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही आपको दिख जाएगा हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। उसके बगल में आपको स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ दिखेगा जो कि आईपीओ ओपन है और ये 28 जनवरी को क्लोज होगा। इन सारे आईपीओ के बारे में अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कमोडिटी पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इंडिगो पेंस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया, साथ ही साथ आईआरएफसी के आईपीओ के भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया, और हमने स्टोव क्राफ्ट आईपीओ का भी कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू किया। ये सब चीज आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कमोडिटी पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बीएससी इंडिया का वेबसाइट दिखेगा, इस पे आप कोई भी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा आप उसके रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आईआरएफसी का अलॉटमेंट स्टेटस आप के फिनटेक के वेबसाइट पे चेक कर सकते थे, उसी तरीके से इंडिगो पेंस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप linkintime.co.in के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना कंपनी नेम सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी लॉट साइज है, सिक्योरिटीज अलॉटेड, यहाँ पे लॉट साइज दिख जाएगा, अमाउंट एडजस्टेड दिख जाएगा, ये चीज आपको दिख जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटीज अलॉटेड 0, अमाउंट एडजस्टेड 0 आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। सेम चीज आप बीएससी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इश्यू टाइप में इक्विटी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको इश्यू नेम में इंडिगो पेंस लिमिटेड ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। और ये चीज आप आज अभी नहीं, 28 जनवरी को इवनिंग में या नहीं तो 29 जनवरी को मॉर्निंग में अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।